नमस्कार साथियों, देखिए आज हम पभोसा मेला लेकर आए हुए हैं आप सभी को, तो हमारे वीडियो में बने रहें। आज मकर संक्रांति है, तो देखिए ये कल्लू हम चल रहे हैं मेले की ओर, आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहें। देखिए हम लोग चल दिए हैं, बस मेला पहुंचने वाले हैं। मेले में आपको बहुत अच्छे अच्छे जगह ले चल के दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अभी मेला अंदर जाने में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो देखिए हम लोग मेला आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, अभी हम दुकान की तरफ आपको ले चल रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो बने रहें और चैनल सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें, फिर हम आगे की ओर ले चल रहे हैं। आपको देखना, बहुत अच्छे अच्छे सामान आपको दिखाएंगे, आप कभी ऐसा देखे ही नहीं होंगे। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत भीड़ है, बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पभोसा गांव का मेला है जो यमुना नदी के किनारे पड़ता है। देखिए अभी हम आपको ले चल रहे हैं, बहुत ऊपर ले जाने वाले हैं, तो आप लोग हमारी वीडियो बने रहें। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वो ऊपर चल रहे हैं पहाड़ पे। देखिए पहाड़ पे हम आ चुके हैं, देखिए पहाड़ से, देखिए अभी हम नीचे से वीडियो बना रहे हैं। देखिए अब हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं कितने लोग यहाँ पे ऊपर पहाड़ पे हैं। यहाँ पर भोसा गांव में पहाड़ बहुत भारी, कौसाम्बी का सबसे बरसों पुराना पहाड़ है। देखिए बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आ रहे हैं इस जगह पे मेला देखने के लिए। कौसाम्बी का सुपरहिट सुप्रसिद्ध मेला यहाँ पे लगता है। देखिए बहुत दूर दूर इस पभोसा गांव है। देखिए बहुत सारे यहाँ पे गांव भी, घर भी हैं जो यहाँ रह रहे हैं, और उस तरफ भी एक पहाड़, बहुत भारी पहाड़ है जंगल में भी। देखिए उस तरफ हम लोग नहीं जा पाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण, देखिए मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो इसलिए हम मेला ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाए हैं। तो चलिए हम आगे दिखा रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है बस दिखाने में। भैया तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, और आप भी कभी यहाँ आए थे घूमने तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने कभी आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से हम लोग चल दिए हैं, चल रहे हैं घर की ओर। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।